हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुना फ्रॉम सबस्टार चैनल। और जैसा कि हम सभी को पता है, अभी हमारी कंट्री में लॉकडाउन की कंडीशन चल रही है। ऐसे में हमें नमकीन आसानी से नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी रेसिपी बनाई जाए जिसे हम घर पर ही आसानी से नमकीन बनाकर तैयार कर ले। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मसाला सेव की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम इन्ग्रीडियंट में बनकर तैयार होगी ये, और बहुत ही कम समय में बिल्कुल मार्केट की तरह क्रिस्पी बनी है ये। मैं इसे आपको क्रंच करके दिखाऊंगी कि कितनी क्रिस्पी बनी है। देखिए, ये देखिए बनी है ना बिल्कुल मार्केट की तरह क्रंची, और इसे बनाना भी उतना ही आसान है और बहुत कम सामग्री से बनकर तैयार होगी। तो ये मसाला सेव आप घर पर ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन भी ज़रूर दबाएँ। तो चलिए अब हम फटाफट ये मसाला सेव की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मार्केट स्टाइल मसाला सेव बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 कप बेसन, स्वाद के अनुसार या 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून दालचीनी पाउडर, 1 पिंच हींग, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, सेव तलने के लिए तेल, थोड़ा पानी, 1/4 कप मोयन के लिए तेल, 6 से 7 लौंग का बारीक पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, नमक स्वाद के अनुसार। और अब हम सेव का डो बनाकर रेडी करेंगे। तो इसके लिए अब हम इस बेसन में हमारे सारे मसाले मिक्स कर लेंगे, नमक स्वाद के अनुसार, हींग से स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा, काली मिर्च पाउडर, लौंग का पाउडर, दालचीनी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बेकिंग सोडा। एक बार हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप मसाले की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मोयन के लिए 1/4 कप कुकिंग ऑयल, ताकि हमारी सेव बहुत ही कुरकुरी बने। अब एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे स्पून की हेल्प से, हाथों की हेल्प से भी मिक्स कर लेंगे। देखिए, मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका डो रेडी करेंगे। एक साथ पानी ना डालें आप। इसका जो हमें डो रेडी करना है वो जैसा हम चपाती का आटा रोज गूंथते हैं उस वैसा ही, या उससे हल्का सा नरम रहेगा तो भी चलेगा। इसका सेव का आटा बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए, कड़क नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, ये अब अच्छी तरह से जैसा हमें चाहिए वैसा ये आटा गूंथ चुका है। और अब इसके बाद हम इस पर लीड कवर करके इसे 10 मिनट के लिए यूं ही रखे रहने देंगे। और अब 10 मिनट बाद ये देखिए, हमारा आटा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। लेकिन यदि यहाँ पर आपको ऐसा लगे कि ये इतनी देर में थोड़ा हार्ड हो चुका है, तो आप इसमें पानी डालकर फिर से इसे सॉफ्ट कर सकते हैं। और अब हम इसे तलेंगे। तो अब इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, गैस का फ्लेम हम ऑन कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल, और अब हम इसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। और अब हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, तब तक हम सेव की मशीन रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह की ये सेव की मशीन है मेरे पास। ये बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाती है, और इससे बहुत ही आसानी से सेव बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर इसके लिए मेरे पास 2 जालियाँ हैं, एक थोड़ी मोटी सेव के लिए है और एक पतली सेव के लिए है। तो मैं यहाँ पर पतली सेव के सांचे से सेव बनाने वाली हूँ आज। तो इसे हम इस तरह से इसमें रखेंगे, और इसके बाद इसे हम यूं फिट कर देंगे। ये देखिए, यह अच्छी तरह से फिक्स हो गया है। अब इसमें अंदर अच्छी तरह से ब्रश की हेल्प से ऑयलिंग कर लेंगे, ग्रीसिंग कर लेंगे, ताकि इसमें हमारा बेसन चिपके ना। अब इसके बाद करेंगे, हमने जो बेसन लिया है इसका हम आधा पार्ट लेंगे। आप हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लें, ताकि ये ज़्यादा चिपके नहीं हाथ पर। मैं फिर से थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ हाथ पे। इस तरह से हम इसे यूँ लंबे में शेप दे देंगे, ताकि आसानी से
इसमें आ जाए। ये देखिए थोड़ा और इसमें डाल देते हैं हम, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर एक बार फिर से लगा दूंगी मैं, और थोड़ा ऑयल इसके ऊपर की लीड पर भी लगाएंगे। और अब हम इसे लीड क्लोज करेंगे इसकी। तो अभी देखिए इस तरह की एक गोली इसमें डालकर देख लेते हैं हम। तो अभी हमारा ऑयल अच्छी तरह से अब गर्म हो गया है, और अब ये जो हमने मशीन में भरकर रखा है हमारा मिक्सचर, अब हम ये इसमें ऐड करेंगे। इस तरह से घुमाते हुए बहुत ही आसानी से ये हमारी सेव इसमें गिर रही है। इसे यूँ धीरे धीरे चारों तरफ हम घुमाएंगे ऑयल में। और अब ये मशीन को एक तरफ रख देंगे। इसे हमें डार्क शेड में बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए इसके बबल्स फैटने लगे हैं। मात्र इसे हमें एक से डेढ़ मिनट के लिए फ्लेम अब हम थोड़ी सी स्लो कर देंगे, और अब इसे बहुत ही धीरे से हम इसे इस तरह से टर्न कर देंगे। और अब थोड़ी सी फ्लेम तेज करके हम इसे एक मिनट के लिए इसे तल लेंगे। और अब एक मिनट बाद गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे, और हमारी सेव को एक किचन टॉयल वाली प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी सेव बनकर तैयार हुई है, ये लग रही है ना बिल्कुल मार्केट की तरह। और अब इसी तरह से मैं इसमें हमारा दूसरा बैच ऐड कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से हमने हमारी सारी सेव बनाकर तैयार कर ली है। तो ये देखिए हमारी 2 कप बेसन में इतनी सारी सेव बनकर तैयार हुई है, जो बहुत ही स्वादिष्ट दिख रही है, बहुत ही टेस्टी लग रही है। और बनाना कितना आसान था ये तो आपने देख ही लिया है। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो और ये सेव घर पर ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।